अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान हैदर और आप देख रहे हैं टॉप वीडियो चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पेनियोर का अकाउंट। कुछ दिन पहले मैंने अपने दोस्त का अकाउंट बनाया था। मैंने काफ़ी अर्से पहले अपना अकाउंट बनाया था तो बहुत इजीली बन गया था वो। उसके मुझे वहाँ से पार्सल जो आया था उसमें मास्टर कार्ड वगैरह सब कुछ आ गया था, जो कि अब काफ़ी चेंज हो चुका है। इसके अंदर प्रॉब्लम अभी ये है कि आपका अगर अकाउंट यहाँ का लोकल बैंक का अकाउंट है तो तभी आप पेनियोर का अकाउंट बना सकते हैं, जो उसके साथ अटैच कर सकते हैं, जो कि अभी बहुत मुश्किल है। अगर जिनके पास बैंक अकाउंट, लोकल बैंक अकाउंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो वो पेनियोर का अकाउंट नहीं बना सकते। दूसरा तरीका उसका यह है कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में वालिद वालदा या भाई या बहन का किसी का अकाउंट बना हुआ है तो आप उनके नाम से पेनियोर के अंदर अकाउंट बना सकते हैं ईज़ीली, मगर वो उनके नाम से ही बनाना पड़ेगा। अदरवाइज कोई दूसरा तरीका नहीं है अकाउंट बनाने का। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। आप पेनियोर का अकाउंट बनाने का तरीका जो है बहुत ही ईजी है, मगर इसके लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए जो आपको आपका बैंक, लोकल बैंक प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज़ अगर आपका HBL का अकाउंट है, अभी बैंक का अकाउंट है, तो आप इजीली इसे ऑनलाइन ही बना सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल इजीली यहाँ पे हो सकता है, जो कि मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। शुक्रिया जी। चलें अब हम यहाँ से करते हैं साइन अप। साइन अप में आपने इंडिविजुअल या कंपनी, आप इंडिविजुअल पे रखिएगा, क्योंकि कंपनी की आपको फिर सब डिटेल वगैरह देनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पे मेरा नाम आएगा, लास्ट नेम सही है, ईमेल एड्रेस जो भी आपका है वो आप डाल दें, मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पे। नीचे ईमेल एड्रेस रिपीट करना है आपने, जस्ट कॉपी करें, पेस्ट कर दें नीचे। नेक्स्ट में अपने बर्थडे डेट देनी है, मैं अपनी डाल देता हूँ, आप अपनी कर दें। ये मेरी डेट आ गई, जैसे एक पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इसमें आप रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान लिखते हैं, अपना एड्रेस डाल रहे हैं। एड्रेस के अंदर ये दो कॉलम है, एड्रेस की कोई बड़ा इशू नहीं है, आप अपना एड्रेस यहाँ के हिसाब से ही डालें, कोई इसमें आपको इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है। आप एड्रेस नॉर्मली जो एड्रेस आपके NSE के ऊपर है आप वही लिखें। दो पोर्शन में लिखते हैं, आधा ऊपर लिखते हैं आधा नीचे लिखते हैं, तो ये मसला हल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है सेकेंड एड्रेस का। एक ही एड्रेस को आप दो पोर्शन में कर दें। सिटी, यहाँ मैं कराची में रहता हूँ तो कराची आ गया। नीचे ज़िप कोड है, ज़िप कोड आप इजीली गूगल पे जाके अपना सिटी का कोड जो है ज़िप कोड लिखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ जाएगा। मेरे मलेर का ये आता है, मैंने इसमें ये डाल दिया। मोबाइल नंबर, कंट्री हमारा कोड जो है 92+92 है, ये आपने मोबाइल नंबर डाल दें। ये मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया, ये पेज भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब सिक्योरिटी डिटेल देनी है हमने। सिक्योरिटी डिटेल के अंदर मेरा ईमेल एड्रेस आ गया, अब यहाँ पे पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड दे देता हूँ। सेम रिपीट करना है पासवर्ड, पासवर्ड रिपीट हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे आपने कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, कुछ भी कर लें, मगर आपको सिर्फ उसका आंसर याद रखना है कि आपका XYZ कोई भी हो सकता है। आप ये तो मैं वर्बली इस पर कर रहा हूँ, मैं अकाउंट नहीं बना रहा, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पे
ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, सिक्योरिटी आंसर आपको याद होना चाहिए, ऐसे दोस्त का नाम, कोई ऐसा नाम जो आपको इधर इन केस आपका अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आपको इजीली याद हो, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं। इसके बाद आपने कंट्री का, फिर उसके बाद एनआईसी नंबर देना है, आपने नेशनल कार्ड एनआईसी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो आपके पास, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वर्बली कुछ भी डाल देता हूँ क्योंकि ये मैंने अकाउंट क्रिएट नहीं करना, इसलिए मैं आपको सिर्फ फिल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ ये हमारी डिटेल पूरी हो गई, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे, ऑलमोस्ट डन, लास्ट वो है। मेरे ख्याल से मैंने पासवर्ड सही नहीं डाला, मैं दोबारा डाल देता हूँ। पासवर्ड सही नहीं डल रहा, एक दफा और ट्राई करते हैं। अब शायद सही हो जाएगा जी, लास्ट ऑलमोस्ट डन पे हम आ गए हैं। अब ये हमारा मेन पेज जो है, यहाँ पे आपने बड़ी केयरफुली इसे फिल करना है। कंपनी अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है, जब आप अकाउंट अपने बैंक से बना रहे हैं तो आप पर्सनली भी आएंगे, कंपनी का नहीं आएगा। यहाँ कंट्री पाकिस्तान आ गई, रुपीस के अंदर आप PKR लिखेंगे। नीचे अब आपका जोन सा बैंक है, मेरा अगर हबीब बैंक है तो मैं हबीब बैंक लिखूंगा, आपका जो सा ही बैंक हो इसमें नाम हो तो आप उस बैंक का नाम लिख दें, नहीं तो नीचे अदर बैंक आएगा, इसके बिल्कुल नीचे आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, अदर में चले जाएँ अगर आपका बैंक का नाम नहीं है तो। वैसे कोई इशू नहीं है, अकाउंट नेम में मेरा आ जाएगा। अब यहाँ पे मांग रहा है बैंक अकाउंट नंबर, मज़े की चीज़ यह है कि हमारे बैंक अकाउंट का नंबर टोटल हिंसे जो हैं वो मेरे ख्याल से 13 या 14 है, और इंटरनेशनल बैंक के लिए हमारे पास हमें चाहिए 24 वर्ड, जो यहाँ पे इंटरनेशनल इसका HBL का तो बहुत इजीली आपको मिल सकता है, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ IBN नंबर कन्वर्टर। सही है, ये यहाँ पे आपने अपना जो लोकल बैंक का अकाउंट है वो डालना है और आपको ये जनरेट कर देगा इंटरनेशनल IBAN नंबर जो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये वर्बली यहाँ पे अकाउंट डाल रहा हूँ। सही है, अब मैं इसको जनरेट करूँगा। ये देखें, ये अकाउंट नंबर आ गया, ये फेक अकाउंट नंबर है, इसका कोई वो नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सही, ये इसलिए बताएगा कि ये बिल्कुल यानी कि इस पर इस नंबर से कोई अकाउंट नहीं है, इस वजह से ऐसा है, मगर ये सिर्फ HBL के लिए। अगर आपका ऑनलाइन बैंक में इस तरह IBAN नंबर का कन्वर्टर देते हैं बैंक वाले तो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, नहीं तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ से IBAN नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकल हमारे बैंक का अकाउंट नंबर जो है वो 13 या 14 डिजिट का है, मगर हमें इंटरनेशनल चाहिए, ये 24 वर्ड का होता है जो आपको बैंक जाना पड़ेगा। अगर HBL का अकाउंट है तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी था। इसके बाद आप यहाँ से एग्री पे क्लिक करें, इसके टर्म कंडीशन सब सबमिट कर दें, विद इन 24 आवर्स में आपको ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब Payoneer आपको मास्टर कार्ड नहीं देता, अब आपका अकाउंट बन जाएगा, आप अपने अकाउंट से अटैच कर सकते हैं
ऑनलाइन अर्निंग में आप इसको चला सकते हैं, मगर आप मास्टर कार्ड, अगर अकाउंट बनने के बाद आप मास्टर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मास्टर कार्ड ना बनवाएं, क्योंकि सालाना चार्जेस उसके $30 हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका कार्ड बंद हो जाएगा। तो आप ना करवाएं, सबसे बेस्ट है बैंक ट्रांजैक्शन, आप उसमें इजीली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपका ऑनलाइन अर्निंग का बिजनेस है तो आप इजीली यहां से बैंक ट्रांसफ़र पैसे कर सकते हैं विदाउट मास्टर कार्ड, एटीएम कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी इनका कार्ड है आप वो ना परचेज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका कार्ड परचेजिंग किस तरह होता है मैं आपको वो बता सकता हूँ। ये अकाउंट इसी बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है जो मेरे रेफर से है, जो आप मेरे रेफर से अकाउंट बना सकते हैं, वो आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। उससे ये होगा कि आप जैसे ही अकाउंट क्रिएट करेंगे मेरे लिंक से, तो आपको $25 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उससे मुझे भी फ़ायदा होगा, $25 मेरे अकाउंट में भी आ जाएंगे। तो कोई इसमें इशू नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से बनाना चाहिए डायरेक्ट पेयोनियर के उस पैसे जाके अब भी आप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।